ये देखो पिज्जा मैंने काट के दिखाया आपको, और मशरूम मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूं आपकी दुआओं से। और बहुत थैंक यू कल इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आपने मस्टेकें भी बहुत सारी निकाली, तो किसी ने बोला है कि 4 या 5 मिनट में बिरयानी नहीं बन जाती, तो आप मतलब मेरे पास नहीं है, तो मुझे पता था, चावलों का अंदाजा था, मैंने तोड़ के देखा था उसको कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, तो आप लोगों ने बड़ी कमी पेशियां भी निकाली। चलो खैर कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है मैं भी सीख रही हूँ, तो अगर आप मुझे समझाते भी तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो काफी सारे लोगों ने बैड कमेंट्स भी किए हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। अगर आप मतलब मुझे सिखाते हैं तो मुझे इस चीज के लिए नहीं है, बस आप उल्टा सीधा नहीं बोला करें कि ये ऐसे नहीं। अगर मैंने गलती से बोल ही दिया मटन या बीफ बोल ही दिया है, तो आपने उस बात को इतना ज्यादा इशू कर दिया बहुत बड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग मेरे व्यूअर से आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कुछ यूनिक और स्पेशल, तो जिसके लिए मैंने ये रेडी सारा सामान रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले ये आपको पता है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये होती है पिज्जे के लिए इस्तेमाल। तो आज मैं करूँगी बनाऊँगी पिज़्ज़ा, तो ये है हमारे पास मीडियम साइज़ की प्लेट है जो मैं न्यू लेकर आई हूँ आज। तो ये बाकी का सारा सामान रखा हुआ है, ये एक 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 बड़े साइज़ के मतलब प्याज काटा मैंने, और एक टमाटर और एक शिमला मिर्च जितना हमें मतलब चाहिए। ये एक पाव चिकन है, और जितना पिज्जे में डलेगा उतना ही हम डालेंगे। ये बाकी घर के सारे मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, और ये है हमारे पास मैदा, और ये है गर्म पानी, और ये से क्या बोलते हैं ये नाम भर लो आप जो भी है, ये तो ये जाएगा इसके अंदर पिज्जे के अंदर। तो ये है हीस्ट जो पिज्जे में डलती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन अभी मैंने देखा ये से बोलते हैं हीस्ट बोलते हैं। तो हमने चीज़ भी मंगा के रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है टीम में, जब हम मतलब रेडी करेंगे जो चीज़ डालेंगे ना, तो आपको आपको दिखाएंगे। और ये नीम गर्म पानी है, इससे मैं अभी गुनूंगी, इसकी डोज बनाऊंगी आटे की जो इसके ऊपर सारी याद है। तो चलें भी करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चिकन जो मतलब हम लोगों को पिज्जे के लिए चाहिए ना, तो सबसे पहले करते हैं वो रेडी। चलें जी अभी हम करते हैं अपने डोज तैयार, इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए तो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। तो सबसे पहले ये मैं करूँगी हीस्ट 1 चम्मच इसका, तो उसके बाद ये छोटा चम्मच चीनी का, बल्कि ये नमक है, सॉरी ये नमक है, और ये 1 चम्मच चीनी का। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा, सारा नहीं डालूँगी थोड़ा डालूँगी क्योंकि हमें एक पिज़्ज़ा बनाना है सिर्फ, तो बस इतना ही डालूँगी। तभी नीम गर्म पानी इसके साथ मैं गूंदूँगी इसे, तो जी रोज़ाना कुकिंग कर करके अब तो आदत सी पड़ गई। और मैं आप लोग तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं भी शेफ़ बन गई, तो बहुत जल्दी खुदा ने चाहे तो मैं शेफ़ ही बन जाऊँगी। और हम लोग कर रहे हैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज, क्योंकि आपको पता है छत पे ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बाजार वगैरह भी लगता है, वैसे भी मेन रोड है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसलिए हमने सोचा है जो हमारा नीचे वाला स्टोर है तो हम बना लेंगे वहाँ पर अपना किचन। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी, लेकिन शेयर अपने बड़े वाले चैनल पे करूंगी, मैं भी सलमान पे, तो आपने देखना है मैं अपनी सारी किचन की सेटिंग वहाँ पे दिखा दूंगी मैं। तो यहाँ से मैंने आटा निकाल लिया है, इसके ऊपर मैदा डाल दिया है, और मैं भी आधा आधा चम्मच डाल के इसे अच्छी तरीके से मस लूंगी ताकि ये अपनी अच्छी अच्छी डोज बन जाए इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसका पेड़ा बना दिया बड़ा सा, तो भी इसको ऐसी जगह चीज़ पे रखना है क्योंकि इसको हवा नहीं लगे, तो मैं रख रही हूँ इसके अंदर, और इसको कर रही हूँ अच्छी तरीके से पैक, या आप टिफ़न में किसी में भी रख सकते हो, तो इसको हवा अच्छी तरीके से नहीं लगेगी, तो ये अच्छी तरीके से जो मतलब फूल जाएगा सही हो जाएगा, हमारी पिज़्ज़े की जो लेयर है ना इसी से सही बनेगी। अच्छा जी इसकी डोसा मैंने तैयार करके रख ली है, अब मैं करने लगी हूँ चिकन फ्राई करने लगी हूँ। सबसे पहले रखूँगी कढ़ाई, ये छोटी इसलिए रखी क्योंकि मैंने कम चिकन को करना है इसमें, तो इसमें डालूंगी ऑयल, अच्छा ऑयल मैंने रख लिया, ऑयल हो गया गरम, तो मैं डालूंगी सारा चिकन इसके अंदर। तो इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से करते हैं फ्राई, इसका हो रहा है साथ साथ कलर चेंज, तो मैं इसी के अंदर ही मसाले डाल दूंगी ताकि अच्छी तरीके से बन जाए। मसाले मैंने पहले आपको दिखा दिए थे कितने कितने, मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, हाफ हाफ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो इसके अंदर चिकन को करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई, और इसके अंदर मैंने टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला क्योंकि हमें सिर्फ चिकन वो चाहिए अच्छी तरीके से फ्राई, क्योंकि इसकी बोटियाँ खाली इस्तेमाल होगी पिज्जे में, तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप अलग से मसाला डालना चाहते हैं प्याज टमाटर जो भी, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, मैं खाली नॉर्मल मसाले ऐड किए मेरे, तो ये अच्छे तरीके से गल जाए तो फिर करते हैं इसको।
चिकन हो गया हमारा रेडी, ये अच्छी तरीके से गल चुका है, हमने बिल्कुल कर लिया रेडी। और यहाँ पे मैं चीज़ भी लेकर आ गई हूँ जो मैंने डी में रखा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, ये सही हो गया, इसको भी मैं निकालने लगी। ग्रीस करने लगी चारों तरफ से ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो चिपके नहीं साथ में। तो आज शोर भी इतना ज़्यादा हो रहा है, संडे वाले दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा। चलो अभी मैं इसे बेल रही हूँ अच्छे तरीके से, तो उसकी बनाएंगे गोल रोटी। चले जब इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ इसको, ये सारा मैंने सही कर दिया चारों तरफ से। अभी मैं इसके साथ वो करूँगी ऐसे ताकि सही तरीके से अंदर तक गल जाए। ये भी मैं फर्स्ट टाइम खाते हैं तो बहुत है, रोज़ खाते हैं लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल ही है, इजी नहीं है ये। अच्छा अब मैं केचप डालने लगी हूँ, तो आज तो गाने भी बाहर भाई बहुत ज़्यादा लगे, संडे का दिन है और शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही। तो इसको चारों तरफ से फैला दूँगी, इसको अच्छी तरीके से बनाऊँगी मैं। इसका भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैंने कैसे कैसा बनाया पिज़्ज़ा, फर्स्ट टाइम बनाया है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। चलो ये अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया, अब मैं डालूंगी इसके ऊपर चीज। मेरी एक विश थी बनाने की पिज़्ज़ा, वो आज पूरी हो गई है। चिकन जी, पिज़्ज़ा हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये अभी अनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दोबारा से डालेंगे इसके अंदर चीज़। तो जितना चीज़ी पिज़्ज़ा होगा उतना टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है चीज़ी पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो साथ में डालेंगे शिमला मिर्च, पहले ये सारे शिमला मिर्च मैं ऐसे डाल देती हूँ, बाद में इसके साथ डालूंगी, डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आप उतनी ही यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। तो अभी मैं साथ साथ अभी शिमला मिर्च लगाऊंगी, पहले इसकी सेटिंग सारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो रखूँगी टमाटर। मशरूम मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं वैसे भी अगर पिज़्ज़े में आ जाते तो मैं निकाल देती हूँ, तो इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ किए हैं। वरना आप लोग कमेंट्स में बोलोगे कि आपने वो नहीं डाले थे, उसका अधूरापन है, तो वो हमें पसंद नहीं है ना मेरे बच्चों को। चले जी हमारा तकरीबन पिज़्ज़ा आधे से ज़्यादा बन गया है, बनेगा ये पूरा जब ये पूरा कम्प्लीट हम ओवन में रखेंगे। और ये है हमारा फेवरेट चिकन टिक्का,
फ्लेवर है, हमने टिक्का फ्लेवर यूज़ किया इसमें क्योंकि हमें टिक्का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम रखने लगे हैं इसे ओवन में, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका लास्ट जो है वो दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, हम लोग आ गए हैं नीचे और मैंने 15 मिनट का टाइम लगा दिया, अभी देखते हैं ये कितनी देर में बनता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं अभी रखने लगी हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, पिज़्ज़ा हमारा बन रहा है और टाइमिंग लगा है और पिज़्ज़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ से लाइव देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आप लोग भी बताना कैसा लगा है आपको कमेंट्स में। चले जी, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन इसको आधा घंटा चाहिए। अगर अगर मैं कम टाइम बताऊंगी फिर आप बोलेंगे तो मैडम इतनी देर में थोड़ी होता, जैसे आपने कल मुझे बातें सुनाई हैं। तो ये इसको आधा घंटा लगता है पिज़्ज़े में, वो जो बड़े बड़े ओवन होते हैं उसमें तो लगता है ज़्यादा टाइम जल्दी हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे पास पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। चले जी, पिज़्ज़ा हो गया हमारा कम्प्लीट, तो मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो प्लेट इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो रही है, ये देखो कितना टेस्टी ऐसे बना है ना, जैसे रेस्टोरेंट वाला है बिल्कुल सेम वैसा ही बना है, और उसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, और देखो चिपका भी नहीं है, देखो खुद ही लग होगी। जी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो पिज़्ज़ा मैंने काट के दिखाया आपको, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखने में लग रहा है, और मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत 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 ज़बरदस्त बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि कैसा बना है, तो आपने मेरी वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कमेंट्स में बताना है कि ये पिज़्ज़ा कैसा बना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।